अस्सलामु अलैकुम, मैं नदीम पा लेवल अकेडमी से आपके साथ नया आज क्विज सॉल्व करते हैं MTH 641 फंक्शनल एनालिसिस। इसका हम क्विज सॉल्व करेंगे तो आपको बताएंगे भी साथ सारा के कैसे सॉल्व करना है। क्विज भी आया हुआ है, ओपन है, आज ही ओपन हुआ है, इसको ओपन करके देखें। तो ये आज की डेट में ओपन हुआ था और 14 तक जो है ये इसकी डेट है। देखें 13 को ओपन हुआ, 15 तक है, तो अभी मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। आप सबमिट मैंने भी कर भी दिया है। इसको चेक करेंगे कि इसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, इसकी अनाउंसमेंट में चले जाएंगे। जो भी क्विज़ हो तो उसकी लेटेस्ट अनाउंसमेंट को देख लिया करें। एक तो सर ने कह दिया कि जो पिछली असाइनमेंट आई थी, ये अनाउंसमेंट के अंदर असाइनमेंट नंबर 1 का सलूशन सर ने ऐड कर दिया। आप अपने उस सलूशन को डाउनलोड करके जो आपने सेंड किया था असाइनमेंट का, दोनों को मैच भी कर सकते हैं कि आपका करेक्ट था या नहीं था। अगली गूगल मीट भी इसको लाजमी देखा करें, गूगल मीट वगैरह जो सर देते हैं गूगल मीट के ऊपर। तो यहाँ पे देखें, 2-3 आगे हमने देखी, तो उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ सिलेबस इसका 31 to 44 मॉड्यूल हैं टॉपिक हमारे। 31 to 44 जो हैं ये टॉपिक हैं। तो ये यहाँ पे दिए क्वेश्चन नंबर 1 के मल्टीपल चॉइस उसी दिन करना होता है, ये दोबारा जो है रीशेड्यूल नहीं होता। तो ये 31-44 मॉड्यूल हैं, यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। आप अपने हैंड आउट्स वगैरह को जो है ये ओपन कर लिया कि अबू सुफयान के बने हुए भी मेरे पास हैं, ठीक है। तो ये देखिए 31 से 44 तक इस तरह ये उन्होंने बनाए। वैसे तो अवेलेबल नहीं होंगे इस तरह के, वाले सारे ने तो सिर्फ मॉड्यूल ही दिए हुए हैं। अगर आप उनको चेक करें कोर्सेज में जाके, कोर्सेज पे सब्जेक्ट पे जाएं, तो आपको पता चल जाएगा कि सारे ने सिर्फ मॉड्यूल दिए हैं। और मॉड्यूल के अंदर हमें पता चल जाता है, कोर्सेज के टॉप हेडिंग पेज आप क्लिक करेंगे तो इसका सारा आ जाता है, कौन कौन सा लेक्चर चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप डाउनलोड सेक्शन से इसकी डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर अवेलेबल नहीं होंगे। अगर देखें तो यहाँ पे ये स्लाइड्स वगैरह की शक्ल में है, असाइनमेंट्स वगैरह दी हुई लेटेस्ट हैं, कुछ थ्योरम्स वगैरह दिए हुए हैं। तो यहाँ पे को पीडीएफ शक्ल में एक के अंदर ये स्लाइड्स वगैरह दी हुई हैं, मैथ की सारी स्लाइड की शक्ल में आप इसको देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं टॉपिक वगैरह को। उसके बाद जो है हम इसको पीछे मेन पेज पर लें तो यहाँ जस्ट मॉड्यूल सर ने दिए हुए हैं। अब ये डाउनलोड कर रहा हूँ मैं थोड़ा उसके पीपीटी स्लाइड जो हैं, तो ये थोड़ा सा नेटवर्क जो है ये बिजी हो गया। अब देखें पीछे इसके जाएं मेन पेज के ऊपर, अगर खोलें तो जस्ट सर ने मॉड्यूल वीक 1 के अंदर जो जो मॉड्यूल हैं देखें, सारे वीक 2 के अंदर मॉड्यूल टॉपिक वगैरह सर ने जो है वो सारे के सारे उसको दिए हुए। करंट वीक जो चल रहा है वो ये वाला चल रहा है आपका, इसमें ओपन है ये सारा MDV डॉक्यूमेंट्स वगैरह करके सर से डिस्कशन भी कर सकते हैं, जो भी इशू होगा आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ तक सर ने लिखा है क्विज नंबर 1 है 44। चलो जी क्विज वाला ऑप्शन हम देखते हैं। क्विज नंबर 1 क्या था, एल स्केयर इज 31 मॉड्यूल से 44 है। तो जल्दी से चैनल पर नए फर्स्ट टाइम वॉच करें, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जस्ट चैनल की वीडियो वॉच कर लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो काइंडली सब्सक्राइब कर दिया करें। सब्सक्राइब करने से आपको कोई आपका नुकसान नहीं होगा ना, लेकिन कम से कम जो वीडियो बनाने वाला उसको थोड़ा सा कोई बेनिफिट हो जाएगा। तो पूरी वीडियो को बात किया करें, देखा करें और समझने के बाद अपने लेक्चर वगैरह को देख लिया करें, कौन कौन से आ रहे हैं, को खास पॉइंट अपने लहदा दस्ते पे लिख लें, तो इस तरह अच्छी तैयारी हो जाती है, मिड और फाइनल में भी काम आ गया आपके। तो चलें जी, पहला क्विज था इसका क्विज नंबर 1 के L की पावर 2 इज़ एल्स के जो स्पेस था इस ये क्या है। तो ये ऑप्शन दिए थे, नॉट ए वेक्टर स्पेस, जीरो वेक्टर स्पेस है, इन्फिनिट वेक्टर स्पेस है, ये फिनिट है। तो फाइनाइट इसमें हमारा जो ये वाले पहले ऑप्शन तो दोनों हो ही नहीं सकते, तो ये फाइनाइट मैट्रिक्स पे है क्योंकि E1 से लेके EN तक हम 100 तो नहीं लगा रहे, तो ये वेक्टर स्पेस है, कन्फर्म है और है भी ये फाइनाइट। ये चौथा ऑप्शन इसका जो है वो ठीक था। अगला हम देखें जी, ये वेक्टर स्पेस इज टेकन ओवर ए, तो वेक्टर जो स्पेस होता है किसके ऊपर लिया जाता है, किसके साथ किया जाता है, तो ये फील्ड के साथ फंक्शन जो है फंक्शनल या फंक्शन या नॉर्म स्पेस, तो ये फील्ड के साथ इसको टेक किया जाता है, इसके साथ लिया जाता है, ये वाला ऑप्शन सेकंड। अगर कोई ऐसा क्विज है जो आपको लगे कि आपने 100% देखा है कहीं है, तो आप अपनी मर्जी से भी अपना चॉइस जो है वो ले सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने यही लगाना, हमने अपनी सर्च के मुताबिक इसको देख कर लगाया हुआ। एन एलिमेंट एक्स ऑफ एन इनर प्रोडक्ट एक्स इज सेट टू बी डैश टू एन एलिमेंट ऑफ, तो अगर इनर प्रोडक्ट होगा तो एक्स जो है वो क्या कहलाएगा, इफ़ एक्स वाई प्रोडक्ट जो है वो 0 इक्वल के होता, अगर ये दोनों इक्वल हों
तो फिर ये इनका लिखा हुआ यहाँ पे, इफ़ एलिमेंट्स आर डिफरेंट दैन डिस्टेंस इज़ वन, और अगर इक्वल होगा इनका एलिमेंट तो इनका डिस्टेंस जीरो होगा, तो यहाँ पे जीरो दिया हुआ इसलिए यहाँ पे ये इक्वल वाला ऑप्शन आएगा, बाकी दोनों ऑप्शन ठीक नहीं हैं। नेक्स्ट अगर देखें चौथा क्वेश्चन, इसका टू सीक्वेंस एक्स एन एंड वाई एन इज मैट्रिक्स पे ऐसी सेट टू बी इक्वल इफ़ दे आर डिफरेंसेस, अगर इनका डिफरेंस जो है ज़ाहिर जी इक्वल होंगे, अभी हमने पढ़ा पिछले ऑब्जेक्टिव के अंदर देखें, तो अगर ये इक्वल हैं तो इनका डिस्टेंस अब जीरो आ रहा है, इनका मतलब डिफरेंस इनका जीरो है। तो यही इसी तरह दिया हुआ कि अगर ये इक्वल दोनों हैं सीक्वेंसेस जो हैं तो इनका डिफरेंस लिया जाएगा तो वो जीरो आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव ये वाला नहीं बल्कि जीरो होगा। इनके अगर दोनों इफ़ लिखा हुआ एक्स और वाई जो इक्वल, इसकी प्रॉपर्टी को देखें तो इनका जो डिफरेंस होता है वो ज़ीरो आता है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव, ए सीक्वेंस एक्स एन इज ए मैट्रिक्स स्पेस एक्स इज सेट टू बी काशी सीक्वेंस इफ एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन इक्वल देयर इज एन इज इक्वल टू एन एप्सिलॉन सच दैट फॉर ऑल द एम एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन और डी जो है एक्स एम और एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन। तो ये इसका काशी की स्टेटमेंट दी हुई सी मैज इज ऐसे ही है, तो ये काशी सीक्वेंस जो है ये पहला ऑप्शन इसका ठीक था। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं जी, टी इज़ अ बाइजेक्टिव नॉर्म प्रजर्विंग then it means that t is a is an in between two norm space x and y, तो ये isometric isomorphism होता है, ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। आप इसको वेरीफाई भी खुद अपने नोट्स वगैरह से कर सकते हैं, मैंने वेरीफाई किया हुआ है। उसके बाद अगला देखें, इफ़ q इज डेंस इन r देन q डैश जो है वो r के अंदर ही होता है, अगर q जो है वो डेंस r में हो तो देन q डैश भी r में ही डेंस होता है, ये दोनों क्यों के उसके सबसेट हैं रियल नंबर के। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, ऑप्शन को, द प्रॉपर्टी डी इंटू एक्स वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो ऑफ द मैट्रिक्स स्पेस इज कॉल्ड नॉन नेगेटिविटी, अगर ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो तो नॉन नेगेटिव होता है, यानी ये नेगेटिव इसकी प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी को देखा जाए तो ग्रेट, अगर पिछले ऑप्शन के अंदर ही हमने देखे तो मैंने यानी यहाँ पर लगाई हुई थी इसकी, तो ये जीरो के इक्वल तो ग्रेटर दैन इसकी नॉन नेगेटिविटी वाली प्रॉपर्टी जो है ये होती है। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन जो है, वेक्टर स्पेस एक्स इज कॉल्ड रियल वेक्टर स्पेस इफ़ के इज इक्वल टू आर, अगर के आर के इक्वल होगा, रियल के इक्वल होगा तो देन ये रियल वेक्टर स्पेस कहलाएगा। ठीक से कम्प्लेक्स नंबर है, ये रैशनल है, ये नेचुरल नंबर है, तो ये रियल नंबर क्लियर के का रियल होना ज़रूरी है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट हम क्वेश्चन देखते हैं जिसका, ये इनर प्रोडक्ट के लिए इसकी प्रॉपर्टी होती है, इनका स्केयर जब हम खोलेंगे, खोल के ऐड करेंगे तो माइनस वाले दोनों प्लस और टू वाले जो है वो कट जाएंगे और दोनों की टू टू बचेंगे, टू कॉमन आ जाएगा, तो ये वाली प्रॉपर्टी इसकी ठीक थी। ये थे जी क्विज, इसके बाद मैं थोड़े से जो है वो आपको दिखाता हूँ कि क्विजेज की फ़ाइल है जिसमें से ये काफ़ी सारे ऑप्शन जो है वो आ जाती हैं। तो ये यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे अभी ये दो मैंने प्रॉपर्टीज़ आपको बताई हैं, ये काफ़ी सारे क्विज हैं, इनके आप स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं, पेज नंबर वन के ऊपर है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी काम आएंगी। अब देखें, एक प्रॉपर्टी थी लास्ट पे देखें, डी इंटू एक्स वाई जीरो इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स इज इक्वल टू वाई, इनका जीरो तब आएगा जब एक्स और वाई की वैल्यू इक्वल होगी, ये भी इसके अंदर पॉइंट आया हुआ था। उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट, यहाँ पे एक ऑप्शन था, मैं अभी आपको बता देता हूँ, हाँ जी, ये एक प्रॉपर्टी यहाँ पे दी हुई थी, ये जी 15-1 नंबर पे आप अगर देखें ये वाला ऑप्शन इसका, तो ये ट्यून टू भी हमने देखा है, लास्ट वाला ऑप्शन था ये इनका स्केयर करना था, ये भी इसके अंदर एक आया हुआ था, और डेंस इन क्यू वाला भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये सारे नोट्स वगैरह बनाए हुए हैं, इनके ऑब्जेक्टिव लहदा निकाल निकाल के जो हैं वो बताए हुए हैं, तो ये सारे आप दिए हुए, इनके ऐसे आप पिक्चर वगैरह स्नैप्स वगैरह बना के अपने पास रख लें, ये आपको फाइनल टर्म के अंदर भी काम काफ़ी सारे हेल्प देंगे, काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव आपको रिपीट हो जाएंगे, अगले क्विजेज जो आने वाले हैं उनके अंदर भी काफ़ी ये बेनिफिट होंगे आपके लिए, इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, आप इनकी स्नैप्स वगैरह ले के अपने पास जो है सेव करके जो है ये रख सकते हैं। तो ये थे जी इसके अंदर क्विजेज, तो चलें जी देखें, काफ़ी सारे आपको हेल्प हो जाएगी, तो चलें जी, सब्सक्राइब अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके, अल्लाह हाफिज़।